अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके, वो भी फ्री में। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनाया जाता है, वो भी घर में ईजी तरीके से। करना क्या है आपने, दूध आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं और डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घर का ताज़ा दूध यूज़ कर रही हूँ। आपने छोटे कप की क्वांटिटी के मुताबिक 2 कप दूध के ले लेने हैं। ये 2 कप दूध की हैं, मैंने छोटा कप यूज़ किया है। इसको उबलने के लिए रख दें और इसमें आपने ऐड करना है, मैंने 2 कप दूध बॉयल करने के लिए रख दिए छोटे साइज़ के। और इसी छोटे साइज़ की मैयर का ये देखिए मैंने शुगर चीनी है वो भी इसमें ऐड कर देनी है। इसमें चीनी की मिकदार मैं आपको आसान से तरीके में ये भी बता देती हूँ कि तकरीबन चीनी इसमें मैंने डाली है 15 खाने के चम्मच। तकरीबन 15 खाने के चम्मच होंगे तो ये 1 छोटा कप भर जाएगा। मैंने भर के इसमें चीनी डाल दी, अब इसको बॉइल करूँगी। अब आपने इसको मिक्स करना है। जब मैंने इसमें शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, तो आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देना। ये देखें दरमियानी आंच है, मैंने इस पर इसको पकने के लिए रख दिया। हल्की आंच पे नहीं पकाना इसको, दरमियानी आंच पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। कुछ ही देर आप कोई भी घर का काम कर सकती हैं, 15 मिनट तक आप हम इंतज़ार करेंगे इसके पकने का। व्यूअर्स 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ। हल्की आंच पर पकाएंगे तो आपको चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप तेज़ आंच पे, ज़रा ज़्यादा आंच पे पकाएंगी तो इसको 2-3 मिनट बाद आपको चम्मच मारने की ज़रूरत पेश आएगी ताकि नीचे से लग ना जाए। आप आसानी से घर में कंडेंस्ड मिल्क बना सकती हैं, बहुत सिंपल है। बस ताज़े दूध का इस्तेमाल करना है या आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ आपने उसी क्वांटिटी का, अगर डबल दूध है तो आपने 1 हिस्सा चीनी का डाल देना है, यानी 2 कप दूध के होंगे तो उसी साइज़ का 1 कप आपने चीनी का डाल देना है, शुगर का डाल देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। ये 10 मिनट बाद मैंने चेक किया है तो ये अभी भी पतला है। मैं 10 मिनट और इसको तेज़ आंच पे रख के दूंगी और चम्मच भी साथ हिलाती रहूंगी। अब 10 मिनट बाद फिर दोबारा चेक करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब ये बहुत थिक हो गया है। मैंने तकरीबन 1/2 घंटा इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। अब ये रेडी होने के बिल्कुल करीब है। जब ये तैयार होने पर आए तो इसमें चम्मच लाजमी आपने साथ साथ चलाना है ताकि नीचे लग ना जाए और नीचे से ब्राउन ना हो जाए। हमने इसको ये देखिए क्रीमी शेप में ही रखना है। इसका एस्टिमेट ये है कि अगर आपने 2 कप डाले हैं, 2 कप दूध के डाले हैं तो कम से कम इतना पकाएं कि 1 कप दूध का रह जाए। इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये तैयार होने के बिल्कुल करीब करीब है। अब इसका मैं वेट करूंगी और गाढ़ा करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें रेडी हो गया है, ज़बरदस्त रिबन शेप। साथ साथ इसका चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि नीचे लगे ना। ये तकरीबन 1/2 घंटे में ये तैयार हुआ है छोटे 2 कप से। लीजिए व्यूज ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इसी फॉर्म में इसको उतार लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया। ये देखें इससे ज़्यादा किया तो ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और फुटियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। मैंने आग बंद कर दी, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये नीम गर्म होगा तो मैं किसी कंटेनर में या छोटे बोतल में या प्लास्टिक के डब्बे में डाल दूँगी। ये काफ़ी दिनों तक महफूज रह सकता है, ये ख़राब नहीं होता।
लीजिए व्यूअर्स, मैंने 2 कप दूध से कंडेंस्ड मिल्क मलाया बनाया था, तो देखें रेडी होके 1 कप हो गया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कप में डाला है कि 2 कप दूध था, 1 कप चीनी थी, उसको इतना बॉईल करें कि 1 कप रह जाइए, 1 कप में ये कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये इजी रेसिपी आपको पसंद आई होगी कंडेंस्ड मिल्क की। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।